हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देख रहे हैं कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये कलांचो की एक वैरायटी है, देखो आप, ये कलांचो लैकिनाटा कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, और मेरे पास ये पिछले चार साल से है। ये मैं रुद्रपुर से ख़रीद के लेके आई थी। नर्सरी ज़रूर देखने चली जाती हूँ, अगर मुझे आसपास दिख जाती है कहीं भी जाऊँ तो। मैं मेडिसिन लेने गई थी मैं उस टाइम पे, तब मैं ये लेके आई थी। और बहुत सुंदर लग रहा है, और इस पर मैं ध्यान भी नहीं दे पाई अभी तो। ये देखिए, इसमें ये बीड्स काफ़ी उग गई हैं। ये और ये क्या कहते हैं, इसकी जो नीचे मैंने दबा दी थी ये सारी, तो ये इसमें पर्सलेन तो ये निकल आई है। इधर कुछ ये पॉपी के प्लांट भी निकल आए हैं। ये मैंने इचिनियोप्सिस लगा दिया था, इकिनियोप्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैंने लगा दिया था, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और अभी मैंने पानी दिया है इसमें, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। इसकी शैलो फूट होती है, मगर फिर भी इसके हिसाब से ये छोटा है। थोड़ा सा बड़ा पॉट होता ना तो और ज़्यादा अच्छे से चलते। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये फ्लावर प्लांट। बारिश के सीज़न में थोड़ा सा ये ख़राब हो जाता है, मगर मैं उसी टाइम पे इसकी थोड़ी दूर इस तरह से पत्तियां कट करके लगा देती हूँ, तो ये न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये पत्तियों से ग्रो हो जाता है, जैसे बाकी सभी कलांचो हो जाते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड करता है ये। और ये देखिए, इसके इस तरह से छोटे छोटे से बच्चे निकलते रहते हैं, बेबी पप निकलते रहते हैं। इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो भी ये काफ़ी प्लांट हो जाते हैं इस तरह से। बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। मुझे काफ़ी कॉस्टली मिला था ये उस समय, करीब 150 के करीब लेके आई थी, और इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा ही था, तो 150 के करीब मुझे मिला था, क्योंकि अलग वैरायटी थी इसमें। ये देखिए, क्रिसमस ट्री भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसके पत्ते इसी टाइप के हैं तो क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। पर मैं गूगल सर्च किया तो इसमें कलांचो लैकिनाटा ही बताया था। बहुत खूबसूरत फूल लग रहे हैं इसके काफ़ी, और कुछ कुछ येलो एक्जोरा जो होता है ना, उस टाइप के इसके फूल लगते हैं। तो मेरे यहाँ येलो एक्जोरा नहीं चल पाता है, तो मैं इसी से खुश हो जाती हूँ। और बहुत खूबसूरत लगता है, और ये अभी अप्रैल तक फ्लावरिंग करेंगे, जब अप्रैल के में बहुत गर्म, अभी गर्म हो रहा है, मार्च में ही गर्म काफ़ी हो जाएगा। अभी ये फरवरी में ही काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है धूप में बैठने से। तो ये मैं इवनिंग में बना रही हूँ वीडियो, और इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अभी नहीं दिया, जब मैंने इसकी मिट्टी लगाई थी, तैयार की थी, तभी मैंने इसमें गोबर की खाद अच्छे से लगा दी थी। सैंडे सोयल है, पानी डालती हूँ तुरंत ही निकल जाता है, और ये पूरे में फैले फैले घूम रहे थे, तो मैंने इस तरह से इसे सपोर्ट दे दिया है, इसके थ्रू ये स्टिक लगा के इसमें सपोर्ट दे दिया है। अब मैं इसे नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, और इस तरह की देखिए पत्तियाँ ये बर्न होने लगी हैं, ये देखिए कितनी ख़राब होने लगी है। तो इस तरह की पत्तियाँ जितनी भी हो उन सबको ख़राब, उन पत्तियों को निकालते रहिएगा। इस तरह से देखिए काफ़ी ये बूढ़ी हो गया है, काफ़ी ये अलग सेपरेट करने के लिए हो गया, पर मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं अभी नहीं करूँगी। और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा प्लांट है, क्योंकि छोटी सी तो बास्केट है, उसमें ये इस तरह के ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे, तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या करेंगे। तो ये देखिए, ये ब्रांच टूट गई है, तो इसे मैं लगा दूँगी तो ये ईजिली चल जाएगी। ये देखिए, तो जो भी एक्स्ट्रा प्लांट हो उन्हें आप निकालते रहिएगा। ये पर्सनेल निकल आई है, और जो भी जैसे अब इसमें ये पिटूनिया वगैरह निकल आए हैं, पॉपी निकल आए हैं, ये बीड्स निकल रही है, तो इन सबको आप निकाल दीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, छोटी सी बास्केट है, उसमें बेचारी क्या क्या झेलेगी, कितनों को झेलेगी, है ना। तो इसी की रूट को जगह नहीं मिल पा रही है। मैं थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद डाल दूँगी, उसके बाद में मैं नीचे लेके जा रही हूँ, नीचे ही रखूँगी। और वहाँ पे मेरी बॉल पे टंगा हुआ था, आपने देखा होगा, उस बॉल पे टंगा हुआ था, अब धूप पड़ने लगी है काफ़ी, तो इसलिए मैं इसे नीचे ही टंगा दूंगी, और नीचे अच्छी भी लगेगी देखने में, सभी कलांचों के साथ में खूबसूरत लगेगी। मेरे यहाँ काफ़ी काम फैला हुआ है, अभी मैंने सीड ग्रो की है, ये बहुत मेहनत लग रही है, टाइम भी लग रहा है। अभी ये सब शेड में रखना पड़ेंगे, क्योंकि अब भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि 10 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जा रहा है धूप में, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो गई है। चलो देखते हैं क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। और अभी मुझे काफ़ी कुछ ग्रो करना बाकी है, और कटिंग वगैरह भी लगानी है, चंपा की कटिंग लगानी है, वो भी लगाऊंगी। और ये गर्मियों में झेल जाता है, गर्मी ऐसा नहीं है गर्मी नहीं झेल सकता, मगर जब बारिश होती है तब इसे ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इस पर डायरेक्ट पानी ना पड़े बारिश का। और ख़ुद भी बारिश में मानसून में पानी कम दीजिएगा, क्योंकि उस समय ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही मौसम में इतनी मॉइस्चर होता है, वेदर में हर जगह नमी नमी बनी रहती है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। पानी दीजिएगा भी मत, वरना इसकी जो कलांचों की ये सॉफ्ट वुड होता है ये गलने लगता है, ये गल के सड़ जाता है फंगल इन्फेक्शन से।
तो उस हिसाब से पानी दीजिएगा। वैसे बहुत सुंदर प्लांट लगता है, खूबसूरत देखने में। ब्यूटी इसकी इसी में है कि इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं और ये भी पूरा भर के आए हैं फूल। जितनी भी ब्रांचें हैं वो सभी फूलों से भरी हुई हैं। और जब फूल ये ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, तो यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से कट करके अलग कर देंगे और न्यू प्लांट तैयार कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ से कट करके लगाएंगे, ये कट कर देंगे, ये फूल तोड़ देंगे, तो ये न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी टू ग्रो है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है इसकी। मैं तो अभी फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाई हूँ, जो भी दिया था वही दिया था। इसके अलावा हाँ, कल मैंने थोड़ा सा DAP डाला था, 2-4 दाने, छोटी सी बास्केट है क्योंकि सभी में डाला, तो इसमें भी मैंने डाल दिया। और ये अब अच्छे से काफ़ी फूल अच्छे से आ रहे हैं। खाद तो मैंने कल ही दी है, अभी नहीं दिए। और इसे ग्रो कैसे करेंगे, बस इसे मिट्टी में दबा देंगे और कुछ नहीं करना। इस तरह से लेंगे, ऐसे होल करेंगे और इस तरह से ऐसे मिट्टी में दबा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। इजीली ग्रो हो जाते हैं जैसे बाकी क्लांचे हो जाते हैं, ना रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ऐसे ही चल जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आई थी इस पर। और सर्दियों की फुलसन में रखिएगा, गर्मियों की शेडी एरिया दे दीजिए जहाँ से तेज़ धूप ना लगे, मॉर्निंग की धूप लग जाए। वैसे ये फंगल इन्फेक्शन से बचाना है, तेज़ धूप और पाले से बचाना है। जब पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो भी इसे बचाना है, क्योंकि फिर ये पत्तियों पर पानी रुकता है तो ये नुकसान देता है इसके लिए, तो भी इसे उससे भी बचाना है। तो नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी थी मैंने बता दी, क्योंकि मेरे पास 4-5 साल हो गए तब से है। मैं 2018 में रुद्रपुर गई थी, तब लेके आई थी इसे नर्सरी से। अब बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है, ख़त्म होने लगता है, प्लांट ख़राब होने लगता है तो मैं इसकी कटिंग्स लगा देती हूँ, ये फिर तैयार हो जाता है। फिलहाल मैंने इसे ख़रीदा नहीं है कभी दोबारा, एक बार खरीदने के बाद में अभी दोबारा नहीं ख़रीदा है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि इस तरह के प्लांट लगाएं जो एक बार खरीदे दोबारा ना खरीदने पड़े। तो नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।